हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करेंगे और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के पश्चात इसी से संबंधित जो आपके कोई प्रश्नोत्तर आदि हैं तो उसको हम लेंगे। आज यहाँ पे मैं खुले में बैठा हुआ हूँ निरामयम के इस प्रांगण में और ये पूरी हरियाली, पेड़ पौधे और पूरा आप एक माहौल देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हवाएं ज़्यादा चल रही हैं तो हवन करने के लिए थोड़ा सा हवाओं का ज़्यादा बहाव है। तो यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हम पूर्व तैयारी जो करते हैं, इसके लिए सामग्री, घी आदि कुछ चीज़ें आपको बता दी। अब हम वेदी की पूर्व तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हवन कुंड के बीच में पहले इस प्रकार से आपके पास जो लकड़ी है, आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास आदि की, वो लीजिए और वेदी के तल में इस प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए। मेरे पास एक गोबर की स्टिक है, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी है, तो उसको मैं ये इसके तल के अंदर छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करके डाल रहा हूँ। आपके पास जो भी समिधा आदि उपलब्ध हो उसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर के आप वेदी के तल में, यज्ञ कुंड के तल में, या फिर जो भी पात्र आपके पास हैं हवन करने के लिए उसमें नीचे रख दीजिए। इस प्रकार से ऐसे थोड़े से नीचे रख दीजिए। उसके बाद वेदी के हिसाब से ऐसे संविधाओं को काट करके दो संविधाओं को ऐसे खड़ा रख दीजिए। ऐसे जो यजमान यज्ञ करता है उसमें जो घी की हम आहुति देते हैं वो यज्ञ के पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं और अन्य जो परिजन हैं वो वेदी के अन्य दिशाओं में बैठते हैं और अकेले है तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ गए और फिर किया। इसके पश्चात ये जो दो संविधाएं खड़ी रखी, फिर चार अंगुल, ये चार और ये चार आठ, ये आठ अंगुल के संविधाओं का हम प्रयोग करते हैं संविधान में। तो ऐसे आठ अंगुल नाप करके और इसको ऐसे हमने तोड़ दिया। ये आठ आठ अंगुल की हम तीन संविधाएं विशेष रूप से हम लेते हैं जिसको हमें संविधान में विशेष रूप से प्रयोग करना है। ऐसे आप नाप करके आठ आठ अंगुल की तीन चार संविधाएं पहले से ही काट करके रख लीजिए। आप लकड़ी होगी तो कोई दूसरा सहारा लेना पड़ेगा, लकड़ी नहीं है, ये गोबर की स्टिक जैसे मेरे पास है तो उससे आप ऐसे आराम से इसको काट सकते हैं। अब इन संविधाओं को और ये जो हमने बीच में दो संविधा लगाई उसके बीच में थोड़ा सा आप रुई लीजिए और उस रुई को ऐसे फैला दीजिए और फैला करके इस रुई को इसके बीचों बीच ऐसे लगा दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दीजिए। पिघला हुआ हो गर्म करके गाय के घी का हम प्रयोग करते हैं और ऐसे वो जो रुई हमने रखी है उस रुई को भी गीला कर देते हैं। नीचे जो छोटी छोटी संविधा रखी उसको भी हल्का हल्का गीला कर दिए। जब आप हर रोज़ करेंगे तो इतना सारा घी और इन सारी चीज़ों को करने की इतनी अपेक्षा नहीं रहती है। जब आप नए नए पहली बार करते हैं तो इतना जरूर करें तो अग्निधान अच्छे से होगा, अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होगी और बहुत अच्छे से आप यज्ञ कर पाएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा घी डाल करके सिंचित कर दिया और कपूर की एक या दो टिकिया लेकर के उसको जब हम इस प्रकार से दबाते हैं तो उसका पाउडर हो जाता है ऐसे दबाने पर। फिर उसको आप ऐसे वो जो रुई बीच में रखी उसके ऊपर जो संविधा रखी उसके ऊपर ऐसे पाउडर करके डाल दीजिए। ऐसे ऐसे थोड़ा कपूर भुरक दिया। उसके पश्चात ये जो हमने चार संविधाएं ली हैं संविधा धान के लिए उसको आप गाय का घी से ऐसे भिगा करके रख लीजिए। ये जब हम संविधा धान करेंगे तब विशेष करके इन संविधाओं का हम प्रयोग विशेष रूप से लेंगे। ऐसे गाय के घी से भिगा करके हम तीन संविधाओं को पहले से ही रख लेते हैं
थोड़ा थोड़ा गाय का घी, और ऐसे कटोरी के अंदर, छोटे से कोई पात्र के अंदर आप देख पा रहे हैं, मैंने लिया है ऐसे 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम थोड़ा सा गाय का घी ले लिया, और इस प्रकार से संविधाओं को हमने गाय के घी से भिगा करके सामग्री की प्लेट में या कोई अलग से दूसरी प्लेट रख करके उसमें भी हम रख सकते हैं। ये संविधाएँ जब हम चार मंत्रों के माध्यम से संविधा ध्यान करेंगे तीन संविधाओं का, तब एक काम में आएगी। और एक संविधा हम एक्स्ट्रा, क्योंकि दो हमने खड़ी रखी है, फिर दो आड़ी आएगी और दो सीधी आएगी, कुल मिलाकर के छह टुकड़े हमें चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको विशेष रूप से गीला कर ले, भिगा ले गाय के घी से और रख लिया। इसी अतिरिक्त एक कोई छोटा सा टुकड़ा लेकर के उस टुकड़े को विशेष रूप से गाय के घी से भिगा लीजिए। जब हम संविधा अग्नयाधान करेंगे तो अग्नयाधान करने के पश्चात हम इस टुकड़े को विशेष रूप से उस अग्नि की लो के ऊपर बीचों बीच रखेंगे, जिससे वो अग्नि तुरंत प्रदीप्त हो जाती है। ऐसे एक छोटा सा कोई टुकड़ा रख ले। एक बार यज्ञ करने के लिए ये जो काउडंग स्टिक है, 1 इंच बाय 1 इंच मोटी और 1 फीट लंबी है, ये 3 लकड़ी हम लेते हैं तो 3 लकड़ी लेने पर हमारा यज्ञ यह संपन्न हो जाता है। और यह जो गोमय संविधा है, ये पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगी, काफी सारे स्टोर के ऊपर जली भी जा चुकी है। तो यह गोमय संविधा के अंदर ऐसी 14 स्टिक होती है, 1 फीट लंबी और 1 इंच बाय 1 इंच चौड़ी, और 3 स्टिक लेते हैं तो एक बार का यज्ञ अच्छे से हो जाता है और हमें अन्य लकड़ियों की आवश्यकता, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। और जैसे हम संविधाओं का चयन करते हैं लास्ट तक वो संविधाएँ वैसी की वैसी रहती हैं, बीच में टूटती नहीं है। और गाय का घी भी डालते तो अवशोषित करके उसको जला देते हैं, अन्य लकड़ी होती है थोड़ा नीचे से उतर जाता है, और इसकी भस्म भी बहुत विशेष लाभकारी और उपयोगी होती है। तो ये गोमय संविधा का हम विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं। तो ये हमारी पूर्व की तैयारी हो गई। अब सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में हाथों को रखते हुए लंबा गहरा श्वास भर के हम पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। लंबा गहरा श्वास भर के ओ ऐसे ओमकार के उद्घोष के साथ हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करके बाद पवित्रीकरण शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, आचमन अंग स्पर्श आदि करने की। अब हम दाएं हाथ राइट हैंड में दाएं हाथ की अंजलि में हम जल ले लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेने के बाद अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का हम पान करेंगे। नाली नुमा हथेली बनाते हुए ओष्ट के साथ लगा करके बिना आवाज करते इस जल का पान करते हैं। ऐसे 3 बार करते हैं 3 मंत्रों के माध्यम से। इसको कहते हैं आचमन। ओम अमृत पस्तरण मसी स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे, दूसरे मंत्र के माध्यम से फिर से हम आचमन करेंगे। ओम अमृता पिधा नमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयतां स्वाहा। इस प्रकार 3 बार आचमन करने के पश्चात फिर हस्त प्रक्षालन हमने कर लिया, हाथ को धो लिया, जो छोटी सी प्लेट है उसमें अवशिष्ट जल डाल देते हैं। फिर उसके बाद बाएं हाथ के अंजलि में लेफ्ट हैंड में हम जल लेंगे, और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका, राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता के लिए, उस अंग की शुद्धिकरण के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए, मनोकामना करते हुए कि हे प्रभु, हे ईश्वर जगदीश्वर,
हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति आदि जो हमारी इंद्रियों की शक्तियां हैं वो बरकरार रहे, जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे। इस प्रकार से हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग मा आस्यस्तु, ओम नसोर मे प्राणोस्तु, ओम अक्षनोर मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर मे बलमस्तु, ओम उर्वोर मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसंतु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर, अवयव के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार यह आचमन और अंग स्पर्श क्रिया हमने संपन्न की। आचमन और अंग स्पर्श या पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के पश्चात अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। आप सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर में, जहां कहीं पर भी आप हैं, मेरे साथ सीधे बैठ करके हाथ जोड़ते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ आइए, हम सब लोग मिल करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद के 8 मंत्रों का हम श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव, ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदा धार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविधेम। ओम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयो रईणा। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए हमने यह यज्ञ को प्रारंभ कर रहे हैं। अब आइए दीप प्रज्वलन करेंगे। जो हमारे पास दीपक रखा हुआ है उसको हम अगले मंत्र के माध्यम से 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम इस दीप को प्रदीप्त करेंगे। थोड़ा सा गाय का घृत आदि को सिंचित करके रख लेंगे।
तीन महाविहारतियों का उच्चारण करते हुए और अग्नि देवता का आह्वान करते हुए हाथ जोड़ते हुए ओम भूर भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब श्रुव के अग्र भाग में एक कपूर की टिकिया को ऐसे रख दीजिए। इस टिकिया को इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए अगले मंत्र के माध्यम से हम वेदी के मध्य भाग में रखेंगे। ओम भूर भुवस्वर्गोरिव भूम्ना पृथ्वीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाद्यायाद दधे। वेदी के मध्य में जो हमने रूई रखी है उसके ऊपर कपूर डाला था उसके ऊपर इस टिकिया को रख दीजिए। अब दीपक को ईशान कोण में रखते हैं और जो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा है उसका जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। तो इस दीपक को हम ईशान कोण में रखते हैं और अब हम वेदी के मध्य में अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान उसके अंदर समिधा लगानी पड़ेगी कि आहुतियां देनी पड़े, कपूर लगाना पड़े, जो करना पड़े इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए वो क्रिया की जाती। तो हमने एक छोटा टुकड़ा रखा था जो गाय के घी से भिगा करके उसको रखते हुए गाय की घी की आहुति देते हुए हम इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। अब हम समिधा धान करेंगे जो हमारे पास समिधाएं रखी हैं गाय के घी से सिंचित की हुई। उन समिधाओं को दोनों हाथों से इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके मंत्रोच्चारण पूर्वक अंतिम में स्वाहा के साथ इन समिधाओं का हम आधान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ये हमने संविधाओं का चयन किया, दो खड़ी दो आड़ी, ये आप देख रहे हैं चारों ओर से हवा लगती है इस प्रकार से और एक संविधा हमने ऐसे रख दी। तो ये छह संविधाएं, आठ आठ अंगुल की चार और दो उससे थोड़ी सी छोटी, और एक बीच में हमने छोटा सा टुकड़ा उस अग्नि को विशेष रूप से सीधी जो उसकी कपूर की लो है वो उसको लगे इस प्रकार से रखते हुए इस संविधाओं का चयन कर दिया हमने। अब हम समिधा चयन करने के पश्चात पंचघृत आहुति प्रदान करें तब तक यह अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा
इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। हमने पंच घृत आहुति प्रदान की, तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। दूसरा, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के चारों दिशाओं में हम जल का सिंचन करते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष करके ऐसा एक छोटा सा ताम्र का लोटा, वैसे हमारे घर में स्टील आदि का है तो वो भी चल सकता है, लेकिन पानी के लिए उत्तम माना गया है ताम्र धातु। ताम्र धातु के अंदर रखा हुआ जो जल है वह जल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, बैक्टीरिया वायरस आदि से मुक्त होता है। अर्थात हम ऐसा छोटा सा एक ताम्र का लोटा ले ले यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये चारों ओर जल सिंचन आदि क्रियाएं करने के लिए विशेष करके उपयोग में आता है। दूसरा, ये हमारे पास और एक छोटा सा जल पात्र रखा हुआ है। इस जल पात्र के अंदर हमने पानी रखा हुआ है, एक ऐसी छोटी सी ये चम्मच है जो आचमन आदि करने के लिए, हथेली में जल लेने के लिए विशेष करके लाभ करें। तो ऐसा कोई भी आप पात्र ले, यदि ताम्र का है तो अच्छा है जल का पात्र, यदि ताम्र का नहीं है तो आप कोई भी अपने घर के अंदर छोटा ग्लास चम्मच कटोरी होती है तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी, एक छोटी सी प्लेट और आप अलग से ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे तो उस क्रियाओं को करने के बाद इस पात्र के अंदर जब हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धोएंगे, तब उस जल को इस पात्र के अंदर हम डालते हैं। तो ये छोटा सा एक पात्र अलग से भी हम रख ले और ये आचमन के लिए हम एक पात्र। आगे, एक ऐसा छोटा सा कोई भी दीपक, दिया जिसको हम कहते हैं, जो हम अग्नयाधान करेंगे उससे पहले जब दीप प्रज्वलन किया जाता है और दीप प्रज्वलन पूर्वक फिर हम अग्नयाधान करते हैं, ये दीपक एक छोटा सा कोई भी आप, क्योंकि घी का जो पात्र होता है वो यदि तांबे का ना हो तो अच्छा, क्योंकि तांबे के अंदर वो तुरंत गर्म भी ज्यादा जल्दी से होता है और दूसरा घी उसमें ज्यादा देर रहने से उसमें जो विशेष रूप से परिवर्तन आते हैं उसके कारण से वह द्रव्य सही नहीं रहता है। तो घी का जो पात्र हो तो वह या तो हम पीतल का रखें और विशेष यदि हम रखना चाहें तो कांसे का उत्तम पात्र माना गया है घी के लिए, पानी के लिए उत्तम पात्र माना गया है ताम्र पात्र, तो हम कांसे का पात्र भी घी के लिए ले सकते हैं। तो दीपक भी हम पीतल का या कांसे का तो वैसे आता नहीं, तो हम पीतल का दीपक ले सकते हैं। उसमें छोटी सी एक बाती, ये मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी सी एक बाती बना करके और उस बाती को हम दीपक के अंदर इस प्रकार से हम लगा देते हैं ऐसे बीच में और फिर रख देते हैं। दूसरा, एक ऐसा चम्मच, इसको श्रुआ बोलते हैं, जिसके आगे अंगुष्ठ के बराबर गड्ढे वाली एक छोटी चम्मच होती है और लंबी सी डंडी होती है आवश्यकता अनुसार, और इसमें हम घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं और इसको पकड़ने का एक विशेष ढंग होता है। हम ऐसे नहीं पकड़ते इसको, सामान्य रूप से लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे करते नहीं, इसको हमें पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं, पहले पेन जैसे पकड़ते ऐसे हमने पकड़ लिया, ये मैंने पेन जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए, जब आप प्रथम उंगली को सीधा करें तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में यहां दब गया और प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ा गया ऐसे। अब जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते तब हम घृत को भरेंगे और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति देते हैं। ओम के साथ भरना है और स्वाहा के साथ आहुति देनी, एक शुरू की बात है। एक कोई भी ऐसा छोटा सा पात्र आप घृत के लिए रख सकते हैं जिसमें तपा हुआ, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं गरम घी है, पिघला हुआ घृत है, तो ऐसा गरम घृत पिघला हुआ घृत होना चाहिए। जमा हुआ घी का हम विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं करते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं।
पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।